आजकल एक बहुत पढ़े लिखे हमारे हैं पीएमएल लाइन में, वो हर चीज को दफा कर रहे होते हैं, मैं देख के हंस रहा होता हूँ, बाद में बात भी करता हूँ कि यार इसलिए 2 साल में हुआ ना वो, डेट वॉज नॉट डिफेंडेबल। तो आप पहले अंदर जिस मियां नवाज शरीफ थे तो वो भी नहीं बने, अब 2 चीजें हुई और मैंडेट इतना मतलब मिला ही नहीं, इतना ये ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, कोई गुंजाइश नहीं। सो पिछले 2 साल में जिस तरह परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें, 84 लोग आपने काबीना में डाल दिए, इलेक्शन कर दी और सबने मिलके की, आप पहले अंदर आवाज उठाते हैं थोड़ी सी कि यार ये क्या है, यानी सर पॉलिटिकल डिसेंट का भी निशान ना हो, लीडर जेल में हो, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ हो, उम्मीदवार ना हो, जलसे जुलूस ना कर सके, बहुत हुआ 20-25 सीटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग धांधली करके इक्तदार लेने में कामयाब तो हो गई, मगर अब नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार फट पड़े और बारी बारी नून लीग के उम्मीदवार नून लीग का असली चेहरा बेनकाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार मोहम्मद जुबैर आज आखिरकार दिल बर्दाश्ता होकर फट पड़े और नून लीग की वो 2 नंबरियां लाइव शो में बयान कर दी, जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। आए पहले मोहम्मद जुबैर की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। वाले लोग आते जाते थे, मुबारकबाद भी देते थे, हम भी देते थे, तो वो सब गायब हो गए। नहीं सर, मुबारकबाद तो देंगे ना, ईद के मैसेज तो करेंगे, इतने तो कॉमन वो चलती है बातचीत। नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा डर लगता है उनको। अच्छा, ज्यादातर लोगों को डर लगता है कि ऊपर ना पता चल जाए कि जी ये मेरे साथ कोई ईद की मुबारकबाद शेयर कर रहा था। होता है, हर सियासी जमात में होता है वो, बिकॉज उनको समझ नहीं आती ना कि वो, जाहिर है लोग तो अच्छे ही होते हैं सब, मैं ये नहीं कह रहा किसी को ब्लेम कर रहा, बट चूंकि पावर पॉलिटिक्स में कोई भी ऑन द रॉन्ग साइड नहीं रहना चाहता। ठीक है तो सर, लेकिन जुबैर साहब बहुत सारे लोग पीएमएलएन में आप जैसी बातें कर रहे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब भी कर रहे हैं, आप तो राणा सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, तो आप जैसे डिसेंट करने वाले तो और लोग भी हैं, तो आई एम श्योर उनसे तो मैसेज पे बातचीत हो सकती है ना, ऐसे बहुत सारे जो और लोग हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ बातचीत होती भी है और परेशानी भी है, और बहुत से लोग जो नहीं बोलते कैमरे के सामने आके वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं बहुत से लोग, बिकॉज एक तो ऐसा हुआ है जो कि सोचा नहीं गया था कि सडनली, जो कि एक पहले तो एक थिंकिंग थी कि पीएमएलएन जीत जाएगी और पंजाब से तो 2/3 लेगी, यही बयानियाँ बनाया गया था, यही कहा गया था मियां नवाज शरीफ को सितंबर में पिछले साल, जब वो आने से पहले जब मैं उनसे मिला था वहाँ ऐसी बातें हो रही थी। ठीक है, और उसके बाद एक तो वो नहीं हुआ, दूसरी चीज़ जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से थी कि वो वज़ीर आज़म बने थे जो सही मानों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, दे वांटेड टू सी जस्ट 1% एज प्राइम मिनिस्टर, और जो सारी फैक्चुअल बातें हैं ना, आप तो अपनी जमात में पहले से कहते आ रहे थे कि ऐसा हमें नजर आ रहा है, ऐसे खदशात होंगे, तो फिर आपसे क्यों रब्ता नहीं करते भाई, आप तो ठीक प्रूफ हुए वहाँ पे। मैं तो बिल्कुल सही प्रूव हुआ, देखिए जी पहला जो झटका लगा था ना मारिया, अगर आप वापस जाएं जुलाई की 20 तारीख थी शायद 2022, जब 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जी जी जुलाई 17 इनफैक्ट ज़िमनी इंतखाब 20 हलकों पर पंजाब में, वहाँ पीटीआई 16 सीटें जीत गई, तो उससे बड़ा झटका तो नहीं हो सकता था, एंड द रियलाइजेशन शुड हैव मेंट, और उस वक्त ऐसी था कि जी ये तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी और ये तो कभी हुआ ही नहीं कि पंजाब में पीएमएलएन की ये हालत हो, तो जाहिर सी बात है उसके बाद बड़े फैसले करने थे, बड़े फैसले क्या करने थे, वो नहीं किए ना उन्होंने, चले हम आपको अपने प्रोग्राम का, सियासत का रुख चेंज कर लिया सर, हम अपने प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म देते हैं, आप ईद मुबारक कह सकते हैं अपनी जमात की क्यादत को, किसको कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी जमात को भी कहूंगा ईद मुबारक और सबको कहना चाहेंगे, ईद मुबारक नई पार्टी बनाने वालों को भी, नवाज शरीफ साहब को कह दें, मरीम नवाज साहिबा को कह दें, वो पहुंच जाएगी वो जी, मरियम नवाज तो शायद पहुंच गई होंगी सऊदी अरेबिया, जी जी वो तो मुस्तफा साहब इस नई सियासी जमात के जिसके बहुत ज्यादा गमजदा लोग हैं, जैसे देखें जुबैर साहब भी गमजदा हैं, वो कुछ पीटीआई के लोग भी गमजदा हैं, तो गुंजाइश है इस वक्त वैसे पॉलिटिकली? देखें मारियम, मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क जिस नहज पे पहुंचा हुआ है, हम असल जो हमारे इश्यूज हैं उनके ऊपर तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा, ठीक बात है, जिन चीज़ों की हमें जिन चीज़ों में इस्लाहात की जरूरत है उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है, आप अपना माशी निज़ाम उठाकर देख लें, आप अपना सियासी निज़ाम उठाकर देख लें, आप कानून और इंसाफ का निज़ाम उठाकर देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जिसको इस वक्त अर्जेंटली रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इस वक्त सियासत है वो इशू से हट के हो रही है, उसमें हमदर्दी, उसमें विक्टिम कार्ड, उसमें एक दूसरे के ऊपर लान तान, माशरती तकसीम, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा आया है, जबकि लोगों के इशूज़ आया नहीं है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि सियासत जो महजब माशरे हैं या जहाँ पर सियासत ज़रा मेच्योर हो चुकी है वहाँ पर लोगों के इशू से गिर रिवॉल्व करती है, यहाँ पर एक आम आदमी की जिंदगी तो सियासत के अंदर इस वक्त मायने नहीं रख रही, तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और मेरे ख्याल से कोई भी अगर सियासी जमात सिर्फ अगर इन इस्लाहात को सामने लेकर और मुल्क को जिन चीज़ों को बदलने की जरूरत है
उस एजेंडा को सामने लेकर आए। तो इस बयानिये की इस वक्त लोग बाय कर रहे हैं, लोग ये बयानिया, और बयानिया जो सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त मेरे ख्याल में, इस वक्त हमारे माशरे में लाइंस बड़ी क्लियरली ड्रॉन है बिटवीन प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट। और 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए, मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक अनप्रेसिडेंटेड वाकयात की टेरिटरी में चला गया। ठीक है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल विजडम थी, जितने पाकिस्तान में सियासी तजिया नगार थे, पंडित थे, सबका ये ख्याल था कि जी जिस जमात के पास उसका इंतखाबी निशान ना हो, लीडर जेल में हो, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ हो, उम्मीदवार ना हो, जलसे जुलूस ना कर सके, बहुत हुआ 20-25 सीटें। तो 8 तारीख को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड हुआ, सबके तजिए फेल हो गए, और फिर सबके तजिए फेल, बिल्कुल फेल, फेल बटा फेल। फिर उसके बाद जो 9 तारीख को हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड हुआ कि हमने पाकिस्तान के अंदर ये तो देखा था कि प्री पोल इत्तेहाद बना दिए जाते हैं, किसी को किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, और इलेक्शनों के दौरान भी 15-20 सीटों के अंदर जहां पे क्लोज मार्जिन कहीं को चल रहा होता है, को थोड़ी बहुत हेरा फेरी वहां पे हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये हमने पहली दफा देखा कि इतना ब्रेजनली कि आपने नतीजे बदल दिए और कहा कि बस ठीक है, हमें परवाह भी नहीं है, तो ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई। फिर ये जो जज साहिबान का खत आ गया, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने जो खत लिख दिया, तो पाकिस्तान मुझे ये लग रहा है कि हम अनप्रेसिडेंटेड वाकयात की टेरिटरी में है। ठीक है, जो पुराने टूल्स थे जिनके बुनियाद पे हम तजिया करते थे, वो सारे के सारे तो 8 तारीख को वैसे ही फेल हो गए, आउटडेटेड माहौल में, आउटडेटेड माहौल, हमारे टूल्स आउटडेटेड हैं, हमारे जो उस वक्त टेरिटरी है वो नहीं है, वो नहीं, हम सब नया सीख रहे हैं, हम सब साथ साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये अनहोनी वाकयात की जो टेरिटरी में पाकिस्तान चला गया है, अब इसके साथ साथ आप देखें माशी हालत मुल्क की चले खराब और अबतर है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। इस बार ईद बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आप लोगों से मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फैसल क्या क्या मुख्तलिफ है सफाई में, बिकॉज आई ओवरऑल फील के लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम है और ईद में बस वो गुजारा कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है मरिया इस वक्त। इस बार जो है मैंने बहुत से सफेद पोश लोग जो है जो कि नॉर्मली जो है वो नहीं आते थे, लेकिन इस वक्त इस बार उनकी जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, ज़ाहिर हम कोटों में भी होते हैं, हमारे साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा रहता है, तो जो मैं समझता हूँ कि जो गुरबत की लकीर से नीचे बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, और कोई गवर्नमेंट सीरियस भी नज़र नहीं आ रही उस चीज़ को एड्रेस करने में। एक होता है ना कि चले एक प्रॉब्लम है उसको कोई हल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जो है वो टोटल देखते हैं कि शाम को अगर आप टीवी भी आप देखें, इसे लोगों ने देखा बंद कर दिया, जब आप लोगों से होप ले लेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। ये जैसे मुस्तफा साहब ने कहा कि जब इदारे नहीं डिलीवर करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को इंसाफ नहीं देगी तो फिर आम लोगों का क्यों तो रहे उससे इस इदारे से कि जो कहें कि हम तो बेख्तियार हैं, तो फिर बाख्तियार सुप्रीम कोर्ट चाहिए, बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट है तो बंद कर देनी चाहिए। अगर आम लोगों को या अपने जजेस को अगर आप इंसाफ या उनकी दादरसी नहीं कर सकते तो फिर आपसे तो कोई भी उम्मीद नहीं रखेगा। ये तब्दीली आएगी कैसे? तो साहब पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि सियासत एक मखसूस तरह के लोगों की, जिनके पास सरमाया है, जिनके पास लीनियज है, जिनके पास पेट्रोनेज है, जिनके पास कोई तगड़ा पीछे बैकग्राउंड है, खाली वही लोग कर सकते हैं। मतलब आप आए सियासत के अंदर एक ऐसी जमात के अंदर जो कि बड़ी मुश्किल था वहां कदम जमाना, इन हाइंडसाइट तो आप देख रहे हैं कि शायद उसी कल्चर का आप शिकार भी हुए हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास लोगों के लिए, वर्किंग क्लास लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं, जो पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान में सियासत पे आना चाहते हैं, आसान काम है? मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल है। एक तो बड़ी एग्जाम्पल जो है, अगर आप मिफ्ता इस्माइल को लें या मेरा एग्जाम्पल लें, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हम गए, प्रोफेशनली प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस था जो भी था। असद उमर को भी इसमें काउंट कर लें अगर आप, पार्टी पॉलिटिक्स ना करें, सो ही ऑल्सो वेंट फ्रॉम, एंड आई थॉट दीज वर गुड एडिशंस, और मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक ऐसा था कि जी अगर ये जाके कामयाब हो सकते हैं तो हम भी इनकरेज होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में जाहिर है सियासत के हवाले से लोग इस चीज़ पर क्वेश्चन रेज करते थे कि वही फैमिलीज हैं, वही सब कुछ है, और बार बार उनको ही मौका मिलता है और नए लोग नहीं आते, साफ सुथरे लोग जो पढ़े लिखे हों, जो समझ बूझ रखते हों, लेकिन एंड जो हुआ अगर आप देखें सर, क्यों ऐसा एंड हुआ? मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है, बिकॉज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना आज के क्या हुआ, क्यों वजह कि एक नई जो पॉलिटिकल क्लास आती है वो क्यों नहीं सस्टेन कर पाती, दो तीन क्या बड़ी वजूहत? देखिए मैं एक सिंपल सी जी, एक तो जाहिर है मैं तो अपने हवाले से बात कर सकता हूँ या अपनी पार्टी के हवाले से। एक तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है मारिया, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में हो या कहीं और हो कि वो कभी कोई गलत फैसला ही नहीं कर सकती, कभी कोई गलत कदम ही नहीं उठा सकती, कभी ख़राब परफॉर्मेंस ही नहीं दे सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो जब वो आप पार्टी में होते हैं तो आपको पार्टी लाइन टो करनी पड़ती है एज मच एज पॉसिबल। आपका दिल नहीं भी चाह रहा होता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी आजकल एक बहुत पढ़े लिखे हमारे हैं PMLN में, वो हर चीज़ को दफा कर रहे होते हैं, मैं देख के हंस रहा होता हूँ, बाद में बात भी करता हूँ कि यार इतना तो थोड़ा सा तो रुक जाया करो, लेकिन
लेकिन जो पिछले दो साल में हुआ ना वो डेट वॉज नॉट डिफेंडेबल. तो आप पहले अंदर जिस तरह मिसाल के तौर पर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको पता है वो बैकिंग किसकी थी. तो आप जब एक कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे ना कि यार ये क्या हुआ. हम तो एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग का हिस्सा बन के सबसे आगे खड़े थे और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे थे. अब आके आपने ये कर लिया. फिर जिस तरह से इलेक्शन पंजाब असेंबली डिजोल्व हुई 90 डेज, मतलब मैं समझता हूँ कि सीरियस ग्रेवेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन कर दी और सबने मिलके की. अब आप पहले अंदर आवाज उठाते हैं थोड़ी सी कि यार ये क्या है. यानी सर पॉलिटिकल डिसेंट का जुबैर साहब, क्या सियासी जमातों में बिल्कुल रूम नहीं है या सिर्फ चंद लोगों के पास वो हक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चूंकि उनकी एसोसिएशन ज्यादा है या रिश्ते ज्यादा करीब हैं, खाली वो ही एक मुख्तलिफ बात कर सकते हैं और बात सुनी भी जा सकती है, जिसका वो जो उस पे ग्रेड पे नहीं है उसकी बात उसकी जगह नहीं है. एक्चुअली मारिया, मैं लेट मी आल्सो क्लेरिफाई एंड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. देखिए मैं जब सियासत में गया था, पीएमएलएन में गया था, तो ना मैं पैसे लेके गया था, ना मैं कोई अपना हलका लेके गया था और ना मेरे पास कोई सियासी तजर्बा था. तो मुझे कुछ लोगों ने 2-3 महीने के बाद ये कहा कि यार आप बहुत बोलते हैं मीटिंग्स में और ये अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती. सो आई डिड इंट्रोस्पेक्शन, मैंने किया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं, मेरे पास कुछ और नहीं है, ना सियासी तजर्बा है, ना हलका है, ना पैसे हैं, तो अगर मैं बोलूंगा भी नहीं तो फिर मेरे लोग खुद मियां नवाज शरीफ में से पूछेंगे भाई ये है कौन, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल. तो उस हद तक मैं समझता हूँ कि मैं आई वॉज गिवन दैट मच स्पेस. और वो मैं जाहिर सी बात है आप इज्जत के साथ, आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपकी हर बात मानी जाए, ठीक बात है. बट मेरा ख्याल है कि वहाँ उस वक्त मियां नवाज शरीफ के लेवल, मियां नवाज शरीफ और मरियम के लेवल पर डिबेट करना अलाउड था, मियां शहबाज शरीफ के लेवल पर ये ऐसी कोई गुंजाइश नहीं. अच्छा, कोई गुंजाइश नहीं. सो पिछले दो साल में जिस तरह परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें, 84 लोग आपने काबीना में डाल दिए. आपने, मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ, चाहे मेरे से कोई और इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस का बंदा एग्री करे ना, दिस 16 मंथ्स वर द वर्स्ट पीरियड इन पाकिस्तान. आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना आपको आपके मैसेज के जवाब नहीं देते लोग इन्हीं बातों की वजह से. सब मेहमानों की गुफ्तगु सुनी, मोहम्मद जुबैर ने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासत में हम जैसे नॉर्मल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, पहली बात तो यह है कि सियासत में आते ही नहीं और ना ही उनको आगे आने दिया जाता है. अगर आ भी जाएं तो उनके साथ वही सलूक होता है जो मेरे साथ हुआ. मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग की हर मीटिंग में किसी को भी ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं होती, मगर मैं हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोला करता था क्योंकि मेरे पास ना पैसा था ना ख़ानदानी सियासत, और अगर मैं बोलता भी ना तो क्या करता, मगर शायद मुझे ज़्यादा बोलने की सज़ा दी गई. और आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सारा कुछ आप देख रहे हैं. आज तो मेरे अपने सियासी कुलीग मुझसे मैसेज पर भी बात करना गवारा नहीं करते. ईद पर भी उन्होंने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनको भी पार्टी से निकाल ना दिया जाए. मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने इस मौके पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात की और कहा कि आज हमारे सियासतदान अपनी सियासत को बचाने में लगे हुए हैं, अवाम तो किसी खाते में ही नहीं है, अवाम के इश्यूज़ पर तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, अवाम गुर्बत और महंगाई के दलदल में पिसती जा रही है, मगर हमारे हुक्मरान इन इश्यूज पर नहीं बात करते. आज हमारी अदालतें बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं, हमारी अदालतें अपने जजेस को इंसाफ नहीं दे सकती तो भला वो आम पब्लिक को क्या इंसाफ देंगी, और फिर आम पब्लिक भला अपनी अदालतों से उम्मीदें रखे भी किस लिए, क्योंकि अदालतें तो अपने जब जजेस को इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर आम पब्लिक को इंसाफ देना तो दूर की बात है. नाज़रीन, आप आज की गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.